हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फोगेरा पटवारी सुमेर दान को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि पटवारी सुमेर दान तानो मानजी में कार्यरत है और फोगेरा का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। जानकारी के अनुसार ACB में परिवादी शिवराज सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई कि फोगेरा पटवारी सुमेर दान नकल जारी कर शुद्धिकरण करने की अवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर बाड़मेर ACP टीम ने इस शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया और शिकायत सही पाए जाने पर आज ACP अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम निवास सूरा के नेतृत्व में बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी सुमेर दान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पटवारी सुमेर दान की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ACP टीम ने पटवारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार के बाद ACP टीम पटवारी को ACP ऑफिस लेकर पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ करने में जुट गई है। ACP अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम निवास सूरा के मुताबिक नकल जारी करने व नाम शुद्धिकरण की अवज में 5,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राम निवास सूरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACP उन्होंने ये कहा, कल दिनांक 30/3 को परिवादी है ये फगेरा गाँव का, वगैरह गांव में जो गटर रोड तहसील में आता है, इसने एक प्रार्थना पत्र पेश करके बताया कि साहब मैंने पुराना मेरा खेत था जिसका विवादन हो, उससे पुराना नक्शा लेने के लिए मैं इनको एप्लीकेशन दी, तो इन्होंने 16 तारीख को मेरे को नक्शा पकड़ा दिया और उस पर सील नहीं लगाई। मैंने कहा सील के वो घर पे है मेरे वहाँ जाना, तो ये 25 तारीख उनके वहाँ गया तो उनको सील लगा के 1500 रुपये ले लिए। उन्होंने कहा मेरे को नकलें चाहिए साहब, तो कहा नकलों के आपके कितनी नकलें चाहिए, कि 3 नकलें चाहिए मेरे मेरे भाई और मेरी माँ की और एक इसका नक्शा और चाहिए, तो 5,000 रुपये लगेंगे। प्रार्थना पत्र पे रिश्वत का मामला पाए जाने पर सत्यापन करवाए गए, तो सत्यापन में पुष्टि हुई और साथ ही इसके कोई पहले खेत का बंटवारा हुआ था उसमें भी 10,000 रुपये इसे लेने की उसने स्वीकार किया, कहाँ 7,000 एक बार लिए थे, 3,000 एक बार लिए थे और सामने वाली पार्टी से भी दिए, वो भी इसमें हिस्सा जिक्र आया। आज इस कल ये अपने वो नक्शा और ट्रेस और जमाबंदी की 2 फोटोपट्टियाँ दे के आया था, आज उसको उन्होंने प्रमाणित करके और इसको सुपुर्द की और 5,000 रुपये लेके और अपने हाथ में लेके और पाटे पर रख दिए। इशारा किया मौके पे पहुँचे और इसको रंगे हाथ गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई है। इसने जो कल ये नकलें दे के आया था जो हमारे यहाँ से लेके गया था फोटो कॉपियाँ, उस पर इसने तारीख 23 और 26 में साइन किए और उसमें जो नंबर भी डाले हैं जो रजिस्टर होता है उसके भी, उस रजिस्टर में कहीं अंदराज नहीं है, नंबर भी फर्जी डाले हैं। कार्रवाई के बाद परिवार की तबीयत थी, हाँ उसने कहा मेरे को बेचैनी की शिकायत है जिसपे उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर से चेक कराया, डॉक्टर साहब ने कहा एंजाइटी है और कुछ नहीं है, इसके नॉर्मल है, सब ECG भी करवाया गया और BP भी लिया गया और कुछ मेडिसिन दी गई है दे देना उसको, ठीक है आगे की कार्रवाई चल। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।